माओ चीज नहीं है तो कोनी समझ दी। इब नो बता, अगर एक इतनी सी सब्जी बना के रे, दो रोटी बना के खा के नर पार बोली, ऐ वो मेरा ससुरा भी आने वाला है, वो भी तो खाओगा। कोई बात नहीं बेटी, यूँ क्या करे, रात तो बाढ़ भली हो से, इसकी बुद्धि से उसी बरत लेगी, तू बना ले अपनी सारे की रोटी। कोई ना, रोटी तो मैं बना ली हूँ माँ, बाकी है ना यही फायदा मरा वांगे अपनी, और यही समझ माओ है मेरे तो, इन्हें कर करा के न्यारी थोड़े बहुत दिन है ना न्यारी बिठा देंगे, और जब यह करेगी ना, और विक्की का तने बेरा है सुबह का, उसको उठती भी देगा और बैठती भी, तो अपना आप ही सुधर जाएगी या। ना बेटी, रोज रोज लुगाई का मारना भीत का मारन का बराबर हो से, और यह घड़ी नकती हो जाएगी, थोड़ी ना समझा दी माँ, जब आप ही न्यारी हो जावांगी तो इसने कौन कहनी है या तड़क नू तो कौन कहेगी थाम ना मार अनु करवा दिया, थाम ना मार अनु करवा दिया, कम तक आप इस चीज़ तक बच जावांगी, और यह बस आ भी लेगी जिम्मेदारी पड़ेगी जब। देख बेटी, तेरे मरुस में कितना समझ का फर्क से है, तू इसने अपना घर समझ से, हमने माँ बाप समझ से, हर एक या देख माँ थारा बिना मेरे दोरा सह भी के हैं, और मैं धाम ना छोड़ के जाऊंगी कड़े, तारा बेटा ना है ना, बस एक के बात कही थी कि मेरे माँ बाप ने है ना बेटा की कमी महसूस ना होने दी। बेटी बस हाड़ा ही तो दबा सा, बेटा चलिया गया छोड़ के ना, यो ही दुख से बेटी, बस मामा किसी टाइम भी ना भूल पा रहे बेटे ने, पर करा भी के वो के भूलने की चीज थी, दाता के लेख तो कोई भी ना मेट सके, हे भगवान तू मन ना ठाले जंदा। माँ जन्नू बेरा हुंदा, और जे किसे का बदला जान दे जा तो मैं दे देन दी। हम क्या रे पीपल दा खावांगे, हमने दे जंदा बेटा रह जंदा रे, सो ठाड़ दी मेरी बेटी का सारा सब कुछ लूट गया, होडन पैरण की उम्र थी, बस बुरा बखत से काटांगे ठीक से। भले उम्र होते बना गर्मता सारा परिवार खुशी खुशी रहा करता, और जब तक तू गया है मैं तो संभालते संभालते हार होगी, और मन न को नहीं लगता कि मैं परिवार ने एकजुट रख सको, मन तो अपनी हर कोशिश कर ली, पर मेरा ने इसको की फतूर चढ़ रहा, क्यों कर सब जाऊँ मैं, भूख ला भी मान रोटी बना दी मैं। देख घर का क्या हाल मचा के दर दिया, आजे बेटा। ओ आया वहाँ अच्छा जाते बेटा, हर दिन काम करी जा सो है, माँ दो रहे बैठो ना, टेम कोई नहीं, इतना बिजी हो गया तू, लग गया रहना अपने काम में तो। बेटा तने एक बात बताऊँ, शांति तो सुना था, दो बताऊँ माँ, एक के मैंने कौन थी। देख जिस दिन अपना घर में एक कुत्तक बाजा था ना, उस दिन तो या बहू सन न्यारी तो रोटी पो से फिरिया, तेरी पोले से आपकी पोले से, और न्यारी चाह बनाओ से, और बेटा मर्द दिन ना बोलूँ, अब तू सुना को नहीं कहा, और भी गनमाचा का फेर घर में, और लुगाई सी नकटी जाए तो उसे एक बीमार पड़न लग जाए ना, वह पीठ पीठ नकटी हो जाया कर से, और तू बेटा मेरी मानना ना तो न्यारा हो जाए। के कहे माँ? बेटा राड तो बाढ़ अच्छी हो से, हर मन उचाओ सो, अगर घर में रोड़ा ना हो या रोज रोज घर में खोड़िया रख से ना लोग सुना। तो यह की बात कहे माँ, न्यारा हो जा। बेटा देख सारी आनी अकड़ी रहेगी ना तो कोई हम कहे, या तेरी भाभी लेकर जाएगी इस घर तक, हर यो घर से ना कभी बारह बाट हो जाएगा, हर मन जानू बंदे का बंदे रही जा, एक बार घर की बात बाहर जान लग जाए ना, फिर बेटा वो घर ने सोच ली खत्म ही हो लिया। तो या तो फिर इससे ही चल लेगी मैं घर में, अपना तो कोई वो कोनी फिर रहने का, या ही तो निया नाड़ी से बेटा, या किससे की भी सुनने ना तैयार कोनी, और इसने नू ठीक लग सन तो बेटा तू मेरी मान तो उससे डाल कर ली इब ठीक करूँ, देख उसने मैं बेटा ना, देख बेटा तू मेरा बेटा सन, और अपनी माँ की बात मोड़ कोनी, मन बेरा से तेरे भरोसा से, या इतनी नकटी बेशरम बोली, या एक भी बात कौन सुने, पाँच सुनाओ से और तो और, अरे सावतरी जिसी वे बहू का अलम लगा लग गया, बनीता कदे छोरा मरिया बस ऊपर ने बिना देखा, और उसके खुरन चेड़ी जा सारी आना। बेटा समझदारी तो काम ले ली, ये तो आपा माँ बेटा समझदारी तो काम लेंगे ना, जिब्बे काम चलेगा
ईसाई तो छोला तेरा बाप से, ईसाई तू से। तो माई बगाम राम के का होगा, मैं अलग घर लेकर आऊंगा कि किसी बात कर रहता है ना बेटा, मैं को नहीं कहूँ अलग ले, बाहर तो इसने लेके भी ना चाहिए या बाहर ले जान का लायक भी ना से। इससे कमरम तम पो लियो खा लियो हराड़े रह लियो, रोटियाँ मत रोटी खाई जाएगी या ना भी पोकी खा गई हम पोकी दे दें बेटा, पर राड ना करो। माँ तने बेरा है या मानत है कोनी, इसके वे रगड़ रहने हैं बेटा। जिस दिन तो सुरेश मरिया सुन मन हर तन में और इस बनिकता तो काल जो पत्थर धर लिया, पर इसका कोई असर को नहीं, हमारा घर तो मानस जा रहा है और कितनी समझदारी तो या फिर भी अपना घर चलाना करी से बेटा। तेरी भाभी के कमजोर घर की से कने ठंड पियर की से या फिर भी न्यू ना कह तक मैं मेरा घर से ली जाऊंगी। ठीक समा तन जिस तरह ठीक लाग उस तरह कर ले। हाँ बेटा बस राड तो बाढ़ भली हो से गणी का एवड़ी बार हो से, तू अपने बाकस है ना उस तरह सार की देख ले, दिखा सुख शांति हो जाता घर में। बेटा ने किस तरह समझाऊं, बेटा भी तुम ये जाना से हक मेरे माँ बापा का दौरा रह भी के गया मन बेरा से, मेरा भी किनारा इसके मार भी ना, पर चिंडाली आ जा सन वो माँ बापा तो दूर कर दिया करे हर बेटे की मजबूरी हो जैसे। देखी जाएगी किस बड़ बेड़ा पार करेगा मालिक। सुना है के प्रिया खड़ी हो ले यार, रोटी दे दे यार। यार मने नींद आवे थमने बेरा, नींद पूरी ना होई ना मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा। अरे तेरे सर में दर्द होने लग जा, मैं देख ना भी लिया, मैं तैयार भी हो लिया जान खातर। यार रात ने को डाना सोए थे, आदमी कितना उठ जाएगा इतनी बखत है। यार तन्नू बेरा ऑफिस में जाऊंगा मैं यार, रोटी कौन देवे मेरे ते। कोई बात ना जाओ, थम बार खा लियो कित बस, बार खा लियो कित, रात ने मैनू कह दीते चलो बार खा खावांगे। होगी फिर क्या हो गया, जाएगा तो दिन घुमाण लेगे तो उस समय जोर पड़ गया के। अरे घुमाण ले जाने में जोर को नहीं पड़ा कर यार, कम तुम रोटी तो बना दे, खड़ी तो ले। फिर क्या हो गया तो काल भी बारे खाई थी, ऑफिस के सामने कैंटीन रही उसमें खा लियो कि मैं भी। रोज की रोज बार खाए चले जाऊंगे। कद कह दी रोज रोज बना हूं ना डेली, आज तो कही होगी। आज क्यों कही, काल भी बार खाया था, परसों भी ऑर्डर करके मंगा रखा था। हाँ दिख गए बस मने ये शौक और किससे कहे पूरे हो थे, मेरे को नहीं हो। शोक की के बात सही समय, इसमारी थोड़ी कमाऊंगी मैं सारा भारे दिया हूँ यार। तो मेरे खातर तो कमाता होगा, जो मैं चाहूँ वे चीज तो होएंगी या नहीं। अरे चाहे तो साग के सारा गेम देखना है, बालक चिक्कर भी होंगे सब गेम संभालना पड़ेगा। इतने आगा की ना सोचा तो आज मैं जी ले। अच्छा हर बार खा लिए कि मैं आगे कोई और गिर जाएगा बोरी, फिर चाड़े हो गए आगे तना खान की टाल कर दूंगी। अरे मेरे को गुनबड़ा मैंने सो लेने देख बे, तेरा तो भाई रोज गए सांग हो गया ना, देख फिर पड़गी। अरे कि मैं सोच भी लिया अगर आदमी की भी खुद की सोचे जा है। की सोच ली मैंने खुद की, के मालपूड़े खा लिए मैंने बना के। मालपूड़े खा लिए को मतलब है कोनी, आदमी तो मरे चाहे जीवो, अगला भूखा जागा चला जागा, खुद का भर जाओ बस। भूखे अपनी मर्जी तो रहो, खा भी सको बार। हाँ खास को तेरा बाप ने फैक्ट्री खुलवा रखी है ना 7-8। कमाता कोनी के धरती में टिक रहे जब माँ। तो कमाता कोनी सुमारी कोनी कमाता मैं। कितना है गरना स्कीम में ना करा मैं बाहर लगाया जाऊँ। हाँ सब घर तक टिप्पणे पैक कर ले जाए हैं। तो लेके जाएं सारे। सब के लुगाई टाइम पे उठे से तेरी डाल 11-11 बजे तक कोनी पड़ी रहे। मैं तो 11 बजे तक ही पड़ी रहूंगी। पड़ी रहूंगी सही है, सही कहा करती माँ, तेरी गलती कोनी। हाँ तो माँ का दौरे जाके बनवा ले टिप्पण, माँ सही कहा करती तो। माला हाथ माँ बड़ा से मेरी तो माँ हम कुछ नहीं कर सकते, अरे बोल लांगे ना तो फिर वो खड़ा बर्दंग बाज जाएगा इनका, अपना आप पे सुलट लेंगे। के सुलट लेंगे, हाय आपका भरया जगत का भरया, या तो वो एक छोरा कौन सा वो के क्या करें कुकर के वो ऑर्डर आर्डर फोन पकड़ दी, सुना थी मैंने आपकी तो मंगवा ली रोटी। अरे बेटा भूखा रह जी बस, माँ ने जग पड़िया करे के बेटी। तो चिंता ना करे, वो लिखड़ा गा ना बार ने मैं पैक करके उड़ दी आऊँगी, ठीक से मन बना रखे रोटी। ठीक से बेटी क्या करे, न्याऊ आ जा और न्याऊ पड़ोसी मिल जाए ना, टाइम कटना मुश्किल हो जाए और अपना तो यो न्याऊ का छड़ा गड गया है। चल हमना ना दे मारा किमा ना करे, मारे तो लत्ते भी न्यारे टाल टाल की दर्दिया कर दी, मेरे कोई आठ कौन थी हरी भी बेटे ने भी ना समझ दी ना कि मैं ना लो भूखा माँ अपना आप अक्कल आ जाएगी, किसका कोनी आई उन्होंने क्या करे, राम का घर में देर से अंधेर कोनी
और घर ने वो उगना ऊपर ना थुके उड़ा ने मई पड़ जिया करे है। बेटी डर तो मन तेरा लग था अगना साहूकार घर की बेटी ली आई के बेरा किसा का नखराली पाओगी, पर तू देख हर एक या देख एक तो जमा भूखा नंग करके सारी कमाई गाभ्या मजास है ऊपर तो नखरा और फिर राड जया छोरे ने भी ठीक ठाक रख ली ये दोनों दड़ी बीर भी पैर तरह लेने तो भी माँ का सीड़ा काल जा हो जा अरे रोज खोड़िया सुनो सुन हो जाएगा माँ हो जाएगा। अरे गरीब घर की अमीर घर की बात है माँ सब की मैं देख रखे मैंने नो तो सहगो नहीं अरे इसने बेचारी ने मसा जाके कि मैं दिखा है ओनू गया करे मूसा ने पागे हल्दी की गांठ वो ही पंसारी बन बैठा यह बात बड़े सियाने ठीक कया कर दे आके मर्द घर का बालक लिया उन्हें ब्याह के न और अग सब की मिल जाए उसन फिर वो बदी बोध करया करे सर देख ऊपर भां बाला गरी सर वो बाहर लिखा है मेरे ख्याल तो मैं रोटी पैक कर दो हाँ कर दे बेटी मैं दे आऊँगी ठीक से तू घनी चिंता ना कर तू आराम कर रिश्ते भी आपका गरीब घर हो तो गरीब बेघर की वो लियानी चाहिए ठंडा हो तो ठंडा है कि पर मारा तो गर्म है जमा ना घर की आएगी इसमें जमा कदर को नहीं मानसा की बड़ी का समझदारी तो घर चल रहा है जिबे जी माह कोई दिन ओके ले इसमें है ना आलू की सब्जी है सुखी और रोटी गाल दी खा लिए है मुन्ना सुन ली थी बात थारी ठीक से होगी हाँ ठीक से जा सुनो उसके खड़े हो आपने नींद आओ से क्या हो गया इधर क्या हो गया कि न्यारे कर दिए तो भी सुख शांति को नहीं ये देख वो छोरे ने भी टूक पोकी कौन दे दी रात ने भी 11 बजे आके बड़े थे खरा कड़ा होटल आटल में रोटी खा के आए थे होटल में रोटी खा के और हरी तड़के छोरा एक घंटा तो ही छोरा का घर लड़ी से और भूखा बाणा ईब गया से कम तक कम धनी भीर तो प्यार तो रह ली सारी अनात्मा बड़ी जा देख देख की बड़कन एक वो भगवान ने प्यारा होया क्यों कर जीवा करमा ये दीदरे फोड़ 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 लेगी तू चिंता ना करया करे आप समझा लेगा विक्की थोड़ा समझदार से आप हैंडल कर लेगा ये हैंडल कर लेगा चिंडाला तो चिंडाला ही रस है वो कदे ना सुधरे ये तेरा कुया बड़ागा करना आप अंदर रोटी खा ली कुकर गड़ा रोटी माँ बाप का तो सारा भी कैसे ये दिदे फूट जाएंगे अंधे होके बैठ जाएगी सारी हण रोई जा है ठीक कैसे देख देख कितना फर्क से बनीता कितनी सेवा अपनी भी करे से घर का भी सारा संभाल रही से और कदे नू भी हद ना करे छोरे ने नू जाना कदे माँ बाप ना रोन लाग जे कितना डेट कर रही से समझदार बालक तो समझदार है उसे अगलिया ने शिक्षा दे रखी से समझदार घर आने की से इज्जत आला घर की से ठीक से जा सो मैं थोड़ी सी बार सावतरी का नहीं हांड के आऊँ सो कितने सत्संग सत्संग में चली जाया करे मंदिर मंदिर में सारी हण वो ईजा हैं सत्संग सुनिया वह आड़ाइस जले वो सारी हण बैठी रहेगी ना तो मन न करण दे कि मैं आराम रू मन भी जकलाई रखे है ठीक से सो जाते सासू जा सुने थोड़ी बहुत मार कितने जियो सा हो जाते तेरा बुढ़ी बडेरिया में बैठ जा कोई बार ना बरो इन बहुआ का मैं बड़ी रस सुने के आ, के बात सुते किस तरह हो टेम देखो क्या हो रहा है क्या हो गया फिर जाना कोनी ड्यूटी ना ड्यूटी कौन जाना क्यों क्यों कहती कौन जाता यार तो ना जान का रीजन भी होगा कोई रीजन क्या होता यार काम लेने लग गए ज्यादा सैलरी वाले 20,000 दे हैं फिर के दे दिया रिजाइन मैंने और कित देखेंगे मेरे तो बुझी था हमने रिजाइन देने तो पहले क्यों कर काम चल लगा इब घर का मतलब फिर तो बुझनी पड़ेगी मैं नौकरी करती हूं तो इब घर का काम किस तरह चल लगा नु बता दो मेरे ती मैं नौकरी करा करता जब तो कौन कहता ना मेरे तो पूछ खजा ये फालतू बात तो करो ना मैं जो बात पूछ रही हूँ ना भाई बता दो खान पीन ने कितना होगा ऊपर तो पड़ेगा अरे तो और मिल जाएगी नौकरी बढ़िया है नीली
एक डेढ़ महीने नौकरी ना मिले इतना भूखे बैठे रहो, लोग हाथ फैलाए जाओ बस। भविष्यवाणी करनी आओगे तुमने? ठीक है कहूँ कि तने काली मिल जाएगी नौकरी। तो इतने रुपये इकट्ठे भी करा रखे होंगे। रुपये इकट्ठे किसने? किसने बोल ले जिसने। मेरे दो रखो नहीं एक रुपया भी, कितना हो थे? अच्छा ले लेके दिया करता, किस जावे ले लेके देने लाख डेढ़ लाख लाया करता महीने के, 20,000 रुपये पातड़ी लाया करता, नुगे नुगर में लाग जाते। अच्छा घर में बड़े 10-15 जना खर्चा करे तू। ठीक से मन्ना कौन बेरा, नौकरी ढूंढ ले एक दो दिन में तावड़ा है ना, मैं दिखा दूंगी जो हालत होगी वह। हाँ दिखा दिए, इसी बात करने लग रही है, एक और खसम बना रखा होगा, उस तो पूछ काटती होगी। मेरे साथ ना अड्डी बात करने की जरूरत ना है, जो रुपया आया करते ना नू के नू घर में ला गया करते, और बेरा थामने भी है घर में कितना के खर्चा है। बेरा हमने यही तो दिक्कत है, नहीं बेरा हो तो मैं सोच भी लेता। हाँ तो ये सपने ना लो, अब मैं अपने दोनों जोड़े बैठी हूँ, रुपया एक भी को नहीं है। खड़ी हो ले काम कर ले, भाषण दुआ लो कितने काम की बस किसे को नहीं। ठीक तो सह बेरा भाभी तने सारा के हो गया इपे? के हो था हो? मेरी सैलरी कम है तने बेरा है, है। रिजाइन दे दिया नौकरी में काम ले उसे ज्यादा, मैं और कंपनी में पकड़ लूंगा कितने। ठीक से फिर कोई और ढूंढ लिए, फिर इसमें इतना परेशान होने की बात से। उसने कौन संभालेगा, देव भी ने सिर पर चढ़ जा दे। तो ये तो नुका कर रहे हैं थोड़े बहुत आठ भीड़ हो जाए कि मैं इतना तो खर्चा बचा ही रही होगी। हाँ बचा रही है, बोली एक दो दिन है नौकरी टो ली अपनी। नौकरी के कि मैं नू से अगा तेड़ी को ऊपर दरी हर काट दे देंगे। सब आपने फैक्ट्री खोल रखी है, 50-60 उठ जाऊंगा। चल कोई ना, तू परेशान ना हो, रोटी राटी खाई है? मैं कौन। चल एक काम कर, मेरे दो मन्नत रखे हैं 3-4 हज़ार रुपये कि मैं इब तो घर का राशन ले आई जाके ना, और नौकरी भी लग जाएगी। चल इतना परेशान ना हो अगर खाम खान कोई और देखेंगे नू सोचेंगे के बेरा क्यों रही ऐसा, लोगों ने क्यों बतावे अगर अपना घर की बात भाई की चल रही है चार दीवारी के भीतर। अरे भाभी तक कितने दिन दे देगी नू कहे, तू कितने दिन दे देगी, मन वो भी है ना जब तो तनख्वाह ले आया करता ना, उन्हें मत बचा बचा के टेक रखी से। और कोई बात को नहीं, बारने तो नारी है, घर तो 21 है और परिवार भी 1 से। चल खड़े हो सियाणा है, और माँ ने मेरा पट्टा गाना वह बेचारे भला ही चू चू करी जा है। दर्द हो गई सर में? ना मेरा चाय पीने का जी कर रहा है, ला दो थोड़ी बना के। किसने कही तेरे मेरे कमरे मान की, मैंने कही तेरे अग चाह बना के लिया दे या इन रोटी बना के लिया दे। बस बहुत हो गया प्रिया, इवती है ना तेरी सारी है ना, मैंने सोचू थी नादान बुद्धि है और जब करन लाग रही है, पर तू कदे भी नहीं सुधर सकती जिंदगी में। बहुत मेरा नहीं, बहुत तेरा हो गया है, तू तो इबनू सोचने लग गई अगिया मर जा और सारे घर पर इस पे मैं फिर अपना राजपाट कर लूं, पर इस कदे को ना होने दूं मैं, समझ गई? शांत ठीक से ना, मना तेरा घर की कोई जरूरत है और ना कि मोर ना मेरे धरती माटी करे रही। दूसरी बात है मना नु सोची थी आखिर मैं मेरी छोटी बहन वर्गी से, और जब टूक लेके आई थी इतना 10 दिन हो गए खाट में पड़ी मैं, रहने दे बस तू, खाट में तो पड़ी हूं मरी कौन है ना, और तन्ने के जरूरत थी इस पर रोटी मांगने की, मां मरगी के अग मैं मरगी, मन्ना रो देता मैं बना देती उठ के। रहीब तो कम तक डट जाता, बीमार हो रही है फिर भी मां तली कड़न लग रही है, याद होगी भाई मेरी बात सुन प्रिया, आज नु का अगर है अगर वो जब गड़ा भरया करे ना तो छल क्या करे है, वो गड़ा भर गया और बेबे मन्ना माफ करिए कि मन्ना है ना तेरे ऊपर तरस खा की ना है, मन्ना तू माफ कर दे पेंडा छोड़ दे बस मेरा कया जाया। छोड़ दिया मैं तो आज पाछा मेरी औरत मर अर जाए जी, मैं भाभी कल में कौन देखूं। और ऐसा भाभी और उरन सुन अपना खा लिए बना के ना और दे दिए सनार, असल तो इनकम है जोगी सा। तेरा दिमाग खराब है के? चला जा जा उसकी गैल, रूस के चली गई वा, मना ले उसने मर जा, रांध कटेगी मेरा पीछा छूटेगा। मनाई साल आगे से घनी तबीयत खराब हो रही से, पर ना खराब उतना का उतना से
की फड़फड़ान लग रही समा तो। हाय बेटी, रात न कितनी बारी आए थे वो बालक, और देख मरोड़ में इतनी छड़स है न्यू को नहीं अक देखी मैं दुखी सुखी तना ना बताओ तो मन तो बता दे मुँह तो ना बोल दी ईसा भी के नखरा होया बावली का दिमाग में बिरान के चाल लिया से बहू के रोज रोज आऊ से आराम क्यों चाह मांगे है जो ऊपर ला खिसक जाए उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ बेटा क्या बात है, क्या बात होती भाभी बहू का क्या ढंग से बेटा किसा ही ढंग को नहीं माँ क्या बात बेटा मैं को कर बोल तू क्या हो गया वो खून में इन्फेक्शन होता है भाभी खून में इन्फेक्शन सैकड़ा रही बा हॉस्पिटल में है उड़ कद ले गया रात में ले गया था। अच्छा हाँ बेटा फिर वह क्या बीमारी हो सा क्यों कर ठीक होगी बस सारा खून चेंज होगा माँ सारा खून और फिर और खून सा लगा। हाँ तो फिर तू इसा मारा मुंह क्यों करा है तू एक काम कर माँ मेरा भी ब्लड वो ही है और उसका भी तू मेरा चढ़ा दे उसका बेटी तेरा में कमजोरी आ जाएगी ए माँ कितने खून ही आवे और नो मरूंगी ना तो फिर मरूंगी और पैसे कितने मांगे हैं मर जन दिन भाभी जन रंद कटेगी विक्की नूना बोल बेटा जल्दा बोल रहा है तू देखिए माँ अच्छा बावला क्यों कर लग गया करण नूना करे बेटा हो जाएगी ठीक और फिर जैसा भी स्वभाव हो ना कितनी बदलने की कोशिश कर ले वो बदलिया ना करे बेटा माँ वो सोचती को नहीं एक बार भी नहीं सोचे कम से कम तो सोच ले तेरा आदमी है बेटा कौन सोचा कौन सोचा क्या कर ले उसका तू रो नू कौन दिखे भाभी किस पोजीशन तक गुजरन लाग रहा हूं मैं लोग भी मेरे तो रकुन रही जे मैं एक अन्ना को नहीं फिर भी उसने वे बात कोई बात नहीं ये तो जिसी आ गिना है भुगतनी पड़ेगी मरण न हो रही है फिर भी वे बात भाभी ना लेकर ये मान ना लेकर ये नू ना करिए यो ना करिए सुन तने है ना मेरा सर की कसम लाग गई एक तो उसने नू नहीं बताओगा अग भाभी ने खून दिया है और माँ पैसे मेरे दौरे धरे है पैसे भी भाभी थोड़े को नहीं मांगे उनने कितने मांगे 40,000 रुपये मांगे है मा। बेटी कि मैं तो तेरे दौरे होंगे हर कि मेरा आड़ी टूम सन है वह ओल सोल करती हर बहु ने बच्चा बेटी माँ तो के करन लग रही किसके खातर करो तुम उसके खातर जिसने नुए को नहीं किया उसकी बड़ी बहन है तय उसकी सासू है उसके खातर जिसने नु मतलब को नहीं की उसका आदमी है उसने को मतलब है को नहीं इन चीजा थे कोई बात को नहीं दूसरी जिंदगी मिलेगी ना तो के बेरा समझ में आ जाए बेटी समझ में तो इसका कोई नहीं आवा मन लग गया सर पर नहीं उसे मारी भी तो कौन जा अपना फर्ज है ना उस तो मुकरा को नहीं बाकी उसकी सोच है और रोवा ना चल माँ लेवा चाबी दे दे मन कड़ा है बेटी उड़ा पेटी में एक पड़ी सवा चाबी जा जाओ बेटा और देखे वो पड़ोसियाँ का फोन पर फोन कर दियो मन बता दियो हे भगवान देख इतना भी अनाड़ी पना के होया अपना पुण भाग दुख सुख तो बता दे कम तक कम हम से माल नहीं रहे रे हमने के बूंदी लाग से मैं के बाजे गाजे तो ब्याह की ना ले आई थी उसने मेरे भी तो कोई अरमान थे बेटा का इतना लाड सा करू है इतना सब किम कर मन हर आज बहू हम ना अपने भी ना समझती किसी बहू आ गई मेरे किसी बहू आ गई हे भगवान मेरी बहू की रक्षा करिए बस मेरे तो बिछड़ो ना लड़सा है रोज लियो मेरी बहू ने ठीक कर दिए भगवान तू मेरी जान ले ली मारा क्या करूँगी मैं तो बेटा खो के बहुत मर मर के जी लाग रही सु भगवान बेटा खो के मैं मेरी बहू ने ना खोड़ा था हे मालिक अगर तेरी मर्जी से किके दिखाऊंगा तू बेटा ये तोड़ी पड़ गई होंगी नू ना बोले बेटी
तन बेरा मेरा रो रो की बुरा हाल हो रहा है, रोटी भी कौन पोई हमने सन के बात माँ ऊ तो आड़े तेड़े करने तू घर तो बार बड़ी जल्दी निकट जा, हॉस्पिटल में कौन आया गया तेरे पे बेटी अगर आप कौन जाने थी ये तो नू ना बोले है मौत को मुँह मत आई से कम तक अमीर तो सुतरी बोल ले तेरी कितनी बार मेरे कर्म थे जो माँ आगी माँ आ जा कर लंदे आराम ना आराम क्यों करण दो मेरी छाती पखड़ी हो जाओ कि मैं खाने जी करदा तो बना के ले दू मेरा कि मैं खाने का जी करेगा ना तो माँ बना लूंगी ये ठीक हूँ मैं किसा का सहारा पकोनी माँ आज कर लंदे आराम क्यों खाम खाना और इसका जी दुखी करे ना क्यों आराम करण दो छाती पखड़े हो जाओ मेरा किसी बात करण लग रही से बेटी तू तना बेरा भी सतू के बोलो लग रही से अरे मर दिल में लागत ये चोट बस माँ प्रिया सच्चे में माँ ने इतनी चिंता थी सारी रात रो रो के इसका बुरा हाल रहा है इन्हें पानी का एक घूंट भी ना पी के देखी है मैंने दिखा है किसने कितनी चिंता है बताने की जरूरत कौन ही चल कोई ना कर लिया राम आज हम चल बेटी रुक बाबी कितने कौन जाना बहुत दिन हो गए मैंने इसकी सुनते सुनते अरे मेरी बात सुन ले कान खोल के जब चुसक गई ना तो जान तो मार दूंगा ध्यान रखिए यह बात बेटा के सुन लो तने बेरा है कुछ भी इतनी सी बात का भी कौन बेरा तने क्या तो बेरा पाटना है मैंने अर के बेरा पाड़ू आज उन्हें बैठी है ना सिर्फ इन दोनों आगे बदौलत बैठे ध्यान रखिए यह बात हाँ ये सब भगवान तेरा खातर तो ये मेरा खातर भगवान को नहीं इस पूरा घर खातर भगवान है ये समझ गई हाँ तो तू ये पूछ ले इन मेरे पर कोनी हो इनकी आरती मेरी बात सुन जब डॉक्टर के लेकर गया था ना डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया था कि यह कोनी बच सकती खून में इन्फेक्शन था तेरे इन्फेक्शन समझती होगी तो फिर इलाज तो डॉक्टर ने कराया है अरे इलाज तो डॉक्टर ने कराया है पर जो खून तेरा भीतरला गया है ना वो सारा इसकी देन से ये भी क्यों चुप होगी इसकी देन से इसकी मां मूर्ति की जो आज खड़ी है अपने सामने पर यह बात पहले क्यों ना बताई यह बात पहले क्यों ना बताई मेरे तो भाभी ने सिर पर अदरक कसम दे रखी थी प्रिया ने इस चीज का जिक्र ना करिए अरे तने बेरा मेरी जेब में 4 रुपये भी कौन देर कितने रुपये लागे बेरा के 80,000 रुपये लागे तेरा इलाज में वे माँ ने दी अपनी टूम बेच के फिर भी मैंने सोचा था माँ कोई ना ले समझ जाएगी पर ना किसी ने कही है ना कुत्ता ही पूछना कितने फूकनी में दे ले वहां कोनी सिद्धि हो सकती कदे और तेरी वाह जात से बेटी कौन सी सासू से जिसने अपनी बहू बुंडी लाग दी हो बुंडी लागती हो देख ली आने के बाद भी किस तरह पाट पाट पड़े दिया धक्के मारे थे न्यारे मुझे माफ कर दो शर्म को नहीं आ थोड़ी बहुत बेटी हरी आना अहंकार अच्छा ना होता कदे तो आदमी ने नीचे ने विचार ना थी ये देख के ना तो तो सारी आनु परे मुंह भाई रखा मेरे में समझ ना थी जयाना नाते या देख रहे ना इसका देख ले के बोला करती कोई बात नहीं मेरी बात सुन हॉस्पिटल मत आई ना तबीयत खराब हो जाएगी आप तो फिर बदला लेंगे ना बेबे कम रेर मेरे साथ कम की पे ना उड़ दे मेरा बस रो ना चुको दे देखो फिर आप चले चुप हो जाए तबीयत खराब हो जाएगी ना तो मुश्किल हो जाएगी और वो भी डॉक्टर ने कही है 1 महीना रेस्ट करना है और ना कोई टेंशन लेनी बेबे तू ठीक तो से ना मैं ठीक हूँ क्यों खून दिया तेरे कि में हो जाएगा तो मेरे कि में कौन हो प्रिया हाँ तो मेरी छोटी बाला है जब तेरे कुछ हो जाएगा तो मैं जी की कर दी तन्ने तो हमेशा मैं छोटी बाण समझी और मन ने तू कदे दुश्मन तक कम ना समझी मन माफ कर दे कोई बात नहीं गलती हो जाया करे अरे बाला अच्छी खुशी सारे प्यार करवाएंगे अरे यहाँ की ना अरे बेटी दोनों बाण खूब सुथरी रल रहो देख क्या करन चना के गैले गुण पीछे तन्ने तो बेटी बेटा की भी कदर ना करी मेरे की सारी अनात्मा बढ़िया करती अरे ईब इसी रह के दिखा दो जनू सागी बाण रहे से हर गर्म वो है प्रेम आप भी माफ कर दो मने सुगाई थी आपकी पर हमेशा आपकी दुश्मन बनी रही आपके घर परिवार वाला ने भी आप तो दूर कर दिया बेटी क्या करना आपका हमारा छाया मगेर है आपके तो आपके होया करें सर तू कर लिया आराम विक्की तू बैठ इसके दौर है मैं दलिया ले आऊं माँ आज आप ही किम बना लिया चल बेटी अरे जूस जास ले दिया कर बेटा इस खातर अरे रोना नहीं है आराम कर ले थोड़ा आज मैं
जो हरियाणवी भी देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से राम राम राम। और भैया थमने स्टोरी देख ली, इसमें देवरानी जेठानी का प्यार दिखा रखा था जो आपने बेराई है कि साग प्यार होया है ठीक है। तो भैया ऐसा है देखो, अगर देवरानी जेठानी है ना, माना है कि बराबर नहीं हुए है, लेकिन थोड़ा हाँ सोच समझ के चलना चाहिए। अगर एक के साथ बुरी बन गया है ना तो दूसरी ने संभाल लेना चाहिए परिवार। और समझदार अपनी अपनी समझदारी की बात हुआ है, कोई तो भाई बिखरा दे कोई समेट ले ठीक है। वो प्रिया ने जो करेक्टर निभाया है वो इसी प्रकार का था कि जो आजकल देखा है ना हर घर की कहानी हो रही है कि जेठानी अगर जब विधवा है या फिर ना भी है तो भी भाई नू सोचे छोटनी अगर सारी चौधर मेरी मुट्ठी में आ जा, बाकी सास है जब तक देखो सास जिंदा है जब तक तो बड़े बुढ़िया का आशीर्वाद रही जाओ तो सबसे बेस्ट है। बाकी है ना कि मैं कमी समी हो तो हमने बता दियो, और जो हमने करेक्टर निभाया है वो ऐसा ही था भाई। तो हाथ जोड़ के निवेदन है किसी के अगर करेक्टर में कोई कमी समी लग गई हो, कुछ गलती सलती हुई हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ करियो। और बाकी प्रेम तय प्यार तरह अगरो देवरानी जेठानी एक सगी बाण तो भी बढ़ के हो जाओ है, क्योंकि वो रिश्ता है जो ऊपर वाला भेजा है ठीक है। तो इस रिश्ते को हमेशा है ना बरकरार रखो और एक सगी बाणा तो भी बढ़ के रहो और प्यार बांटते चलो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। और बाकी राम राम, गलती सलती हो तो माफ करियो। जय हरियाणा, जय हरियाणा।